हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी नाइटी से नाइट सूट बताना बच्चों का। देखिए, ऊपर से हम 20 इंच कट कर लेंगे। जैसे आपके पास नई नाइटी है उसमें आपका कट लग गया हो, वैसे ही पड़ा हो, यूज़ में ना आए हो, तो आप ऐसे बना सकते हो। 20 इंच कट करके पहले निकाल देंगे, ये देखिए। इसके बाद साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। ये देखिए, हो गया। इसी प्रकार से हम पैजामे भी कट कर लेंगे। जितनी भी नाइटी की हमारी लंबाई होगी उतना ही लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर से भी हम 10 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे पैर के पास, मुंडी के पास भी हम 10 इंच का ही निशान लगाएंगे। दोनों निशान मिलाकर हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। आपके पास बेकार पड़ी नाइटी हो तो आप इस प्रकार से बनाओ, यूज़ में भी आएगा और बच्चों को पहनने में कंफर्टेबल भी रहेगा। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, आइए हम आपको सिलाई बताते हैं। ये देखिए, सिलाई में देखिए, नीचे जो कपड़ा हम बराबर किए हैं उसमें थोड़ी सी झड़ी टाइप की लगा देंगे, जिससे हमारा ऊपर का कुर्ता दिखने में भी अच्छा लगेगा, पहनने में भी फटाफट रेडी भी हो जाएगा। ये देखिए, एक साइड हम सिल लिए हैं, एक साइड पहले पूरा झड़ी लगा के फिर पैक कर देंगे। ये देखिए, हो गया, लग गई। अब इसे हम पूरा पैक कर देंगे। ये देखिए, कुर्ता हमारा रेडी हो गया ऊपर का। आइए पजामे भी सिलना बता देते हैं हम आपको। ये देखिए, कटिंग मैंने दिखाई है आपको, और ये दोनों तरफ हम वैसे 10-10 इंच सिल लेंगे। ये देखिए, इधर से भी और इधर से भी कपड़े को उल्टा कर लेंगे। ये हो गया, दोनों तरफ से हम सिल लिए, देख लीजिए। इसके बाद हम मोड़ी सिल लेंगे, नीचे थोड़ा सा मोड़ के, बुकरम नहीं लगानी है। ये देखिए, सिंपल सा दोनों तरफ सिल लेंगे। इसके बाद दोनों पैरों को हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे ही सिल लेंगे। ये देखिए, हो गया, फटाफट बन जाता है, बहुत जल्दी सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम पैजामे में इलास्टिक लगा देंगे ऊपर। बच्चों का नाइट सूट बन के रेडी हो गया। ये पैजामे देखिए, और इसमें इलास्टिक हम कमर के हिसाब से ही लगाएंगे। ये देखिए, जी ऐसे ही सिल देंगे। ये देखिए, रेडी हो गया पैजामा। आप देख सकते हो फटाफट कैसे बन गया। ओके।